हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश काउंसिल। गाइस, टुडे वी विल बी लर्निंग मेथड और मैनर इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 8। बिफोर द पार्ट 8 वी हैव मेड द 7 पार्ट्स। इफ यू हैवंट वॉच दोस पार्ट्स, यू गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर एंड वॉच दोस वीडियोस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द पार्ट 8 वेरी इजीली। गाइस, एज वी ऑल नो दैट मेथड और मैनर इंडिकेटर सेंटेंस वी कॉल देम इन हिंदी रीति विधि सूचक वाक्य। रीति विधि सूचक वाक्य ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें बताया जाता है द वे ऑफ डूइंग एक्शन, यानी एक्शन हमारा किस तरीके से हो रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस पार्ट्स, जैसा कि पिछले पार्ट्स में आपको बताया गया है, इस तरह के वाक्य में हमें जो मैनर है, जो तरीका है किसी भी एक्शन को करने का, वो सब बताया जाता है, यानी कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है। टुडे वी विल बी लर्निंग इन पार्ट 8। हम पार्ट 8 में आज सीखेंगे माप तोल, यानी मेजर और वेट इंडिकेटर वर्ड्स, यानी आपको मेजर करने वाले वर्ड्स मिलेंगे और आपको जो तोल करने वाले वर्ड्स हैं इस तरह से वेट करने वाले वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद आपको संज्ञा का प्रयोग मिलेगा, यानी नाउन का प्रयोग बाद में मिलेगा। फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑफ, नाउन ऑफ से हमें किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, माप तोल करने वाले जो वाक्य जो हमारे शब्द होंगे वो सब मिलेंगे, उसके बाद जस्ट नाउन हमारा आ जाएगा। तो किस तरह के सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, उसे 1 कप चाय चाहिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, हमें 1 लीटर तेल चाहिए, मुझे 1 बोतल दूध चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा है चाहिए। चाहिए का मतलब है मैं चाहता हूं, जैसे मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो इसका मतलब है मैं 1 लीटर दूध चाहता हूं। शुड के सेंस में नहीं बनाएंगे, वांट के सेंस में हम चाहिए से बनाएंगे। तो सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा। मैंने खरीदा क्या, 1 मीटर कपड़ा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो खरीदा पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, खरीदना बाय की क्या हो जाती है, बॉट, आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट ए मीटर ऑफ क्या, क्लोथ, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, आई बॉट अ मीटर ऑफ क्लोथ। अगला सेंटेंस है, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट, मैंने बताया था चाहिए के लिए क्या यूज करेंगे हम, वॉन्ट, आई वॉन्ट क्या, 1 गिलास, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी ग्लास ऑफ मीटर ऑफ नाउन ऑफ, और वाटर क्या है नाउन है, और क्लोथ भी क्या है नाउन है। अगला सेंटेंस है, उसे 1 कप चाय चाहिए, यानी वह 1 कप चाय चाहती है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तो शी वॉन्ट्स क्या बोलेंगे, शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ टी, वह 1 गिलास चाय चाहती है, या उसे 1 गिलास चाय चाहिए, शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ टी, उसे 1 गिलास चाय चाहिए। अगला सेंटेंस है, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो ही वॉन्ट्स अ किलो ऑफ शुगर, ही वॉन्ट्स अ किलो ऑफ शुगर, उसे कितनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, ही वॉन्ट्स अ किलो ऑफ शुगर। अगला सेंटेंस है, हमने 1 लीटर तेल खरीदा, हमने 1 लीटर तेल खरीदा, आप कह रहे हैं किसी से भी मैंने कितना तेल खरीदा, 1 लीटर तेल खरीदा, 2 लीटर खरीदा, 3 लीटर, ऐसे कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने 1 लीटर खरीदा के लिए हम लिखेंगे मैंने 1 लीटर तेल खरीदा, या हमने 1 लीटर तेल खरीदा, तो वी वॉट, वाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉट, वी वॉट अ लीटर ऑफ, वी वॉट अ लीटर ऑफ ऑयल, हमने 1 लीटर क्या, तेल खरीदा, वी वॉट अ लीटर ऑफ ऑयल। अगला सेंटेंस है, मुझे 1 प्लेट चावल
चाहिए, मुझे एक प्लेट चावल चाहिए, आई वॉन्ट अ प्लेट ऑफ राइस, मुझे एक प्लेट राइस चाहिए, आई वॉन्ट अ प्लेट ऑफ राइस। अगला सेंटेंस है, उसे एक बोतल दूध चाहिए, यानी वह एक बोतल दूध चाहता है या उसे एक बोतल दूध चाहिए, तो ही वॉन्ट्स क्या अ बोतल ऑफ, ही वॉन्ट्स अ बोतल ऑफ मिल्क, उसे एक बोतल दूध चाहिए, ही वॉन्ट्स अ बोतल ऑफ मिल्क। वॉन्ट अ बास्केट फुल, आई वॉन्ट अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, आई वॉन्ट अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, मुझे एक टोकरी भरकर या एक टोकरी क्या चाहिए, आम चाहिए, तो आई वॉन्ट अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। अगला सेंटेंस है, उसे एक चम्मच या चम्मच भर चीनी चाहिए, तो उसे या ही लगा देंगे या शी लगा देंगे, शी वॉन्ट्स अ स्पून फुल ऑफ सुगर। अब देखिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, मीटर ऑफ, ग्लास ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पून फुल और बास्केट फुल ऑफ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम बास्केट ऑफ नहीं लगाएंगे, अ बास्केट ऑफ मैंगोज या फिर अ स्पून ऑफ सुगर, ये हम नहीं यूज करेंगे। हम इस तरह के सेंटेंसेस को, जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंस मिलेगा, तो शी वॉन्ट्स अ स्पून फुल ऑफ सुगर। और समझने की कोशिश करते हैं, मैंने एक गाड़ी चावल खरीदा, तो आई बॉट अ कार्ड लोड ऑफ राइस। ठीक है, कार्ड ऑफ नहीं लगाएंगे इसमें, आई बॉट अ कार्ड लोड ऑफ राइस, मैंने एक गाड़ी भर चावल खरीदा, उसे मुट्ठी भर चावल चाहिए। अगला सेंटेंस है, उसे मुट्ठी भर चावल चाहिए, यानी हैंडफुल, तो कैसे बनाएंगे, ही वॉन्ट्स अ हैंडफुल ऑफ राइस, उसे मुट्ठी भर चावल चाहिए, ही वॉन्ट्स अ हैंडफुल ऑफ राइस। तो गाइज, यही आज की हमारी क्लास, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।